हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। वी हैव स्टार्टेड कैलकुलस 1। तो यहाँ पे है आपका लेक्चर नंबर 4 ऑफ दिस टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स एंड बाउंड्स। ये हमने फर्स्ट चैप्टर अभी इसका स्टार्ट किया है। तो हमने न्यू बुक यहाँ पे बीएससी के लिए स्टार्ट की है, तो अभी से आप इसको रीड करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी से ही आप सारे लेक्चर्स को प्रॉपरली ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना शुरू कर दीजिए। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस एक काम और करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, तभी आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलेंगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कैलकुलस 1 से रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स मुझे आपके लिए मिलेंगी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगी। तो हम यहाँ पे पूरे का पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर करने वाले हैं। मैंने आपको ऑलरेडी सारा कुछ सेंड कर दिया हुआ है, तो ऑलरेडी हम इसके 3 लेक्चर्स ऑलरेडी कर चुके हैं, दिस इज़ आर 4th लेक्चर। तो मैं आपको यहाँ पे ये एग्जांपल्स करवा रही हूँ। इससे रिलेटेड हमने फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको टॉपिक करवाया था, दैट वाज इंटरवल्स। जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट था उतना ही करवाया था, बिकॉज यू आर स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी 1। तो आपके लिए इंटरवल्स के लिए जितना सफिशिएंट था, मीन्स थोड़ा सा आपके लिए ओवरव्यू चाहिए था आपको, तो मैंने आपको वो इंटरवल्स का करवाया था। नेक्स्ट लेक्चर 2 में हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स कर रहे हैं। लेक्चर 3 में भी हमने बुक में से ही एग्जांपल की है। अब लेक्चर 4 में यही मैं आपको एग्जांपल करवाने वाली हूँ, हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो अगर जो भी आपके डाउट्स होंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, वो डाउट्स भी हम क्लियर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि जितने भी लेक्चर्स जो हैं जो मैं अपलोड करूँगी, उसकी PDFs जो हैं वो आपको लिंक साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल फ्री आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री होगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स एंड बाउंड्स, तब मैं आपको एक पूरी की पूरी एक PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, जिसमें पूरे चैप्टर के आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सारे लेक्चर्स को साथ के साथ अपलोड करके उसको डाउनलोड करके अपनी फाइलिंग करनी है, या फिर आपको एक साथ वो PDF फाइलिंग करनी है, ठीक है। वो चीज़ आप देख लीजिए। और आपको आपके पास ये नोट्स ज़रूर होने चाहिए हैंड रिटन। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ बिकॉज जब स्टूडेंट्स को लास्ट में ये चीज़ देखनी होती है एग्ज़ाम टाइम पे, तो उनके पास नोट्स नहीं होते और वो इधर उधर घूमते हैं, अपने फ्रेंड्स से पूछते हैं, बुक्स में ढूंढने की कोशिश करते हैं, तब उनको कहीं पे भी नोट्स नहीं मिलते हैं। आपके लिए आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवा रही हूँ सबकी PDF। मैं अभी आपको कहूँगी कि अभी जस्ट हमने स्टार्टिंग की है, तो अभी से आप इनको साथ साथ डाउनलोड कर लीजिए। आपको कुछ भी इसके लिए पे नहीं करना है, दिस इज़ टोटली फ्री। यू कैन डाउनलोड इट्स PDF एंड देन एट लास्ट ऑफ दिस चैप्टर यू कैन डाउनलोड इट्स टोटल PDF ऑल्सो, एंड दैट विल ऑल्सो बी एब्सोल्यूटली फ्री, ओके। हम सारे चैप्टर्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये हमारा टोटली फर्स्ट चैप्टर है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बिकॉज आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी। और एक साथ मैं वीडियो ये भी आपको बता दूँ कि डेली आपकी वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं, आप मिस मत कीजिए। आई एम टेलिंग यू, मिस बिल्कुल मत कीजिए, बिकॉज अगर आप इसको मिस कर देंगे तो नेक्स्ट टॉपिक्स आपको समझ नहीं आएंगे। अभी हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, वी आर ऑन लेक्चर नंबर 4। तो देन यू स्टार्ट यू डूइंग योर वर्क। डेली आप सारे लेक्चर्स को सुनिए और PDF को डाउनलोड करके अपनी फाइलिंग कर लीजिए। दिस इज आर लेक्चर नंबर 4। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस वर्क। 2/(x-2), (x+2), (x-2), (2)। तो इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है और हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ एक्स, क्लियर। तो इसका प्रूफ देखते हैं। वी हैव टू फाइंड x-2। देखिए सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में क्या चीज़ होगी कि हमारी वैल्यू जो है वो x-2 जो है ये 0 तो कभी नहीं हो सकती। x-2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल क्यों नहीं हो सकती, दैट यू ऑलरेडी नो, बट आई एम टेलिंग यू x-2 0 क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज एनीथिंग, कोई भी नंबर, 1 ले लीजिए, 1/0 दैट विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी, 2/0, समथिंग ओवर ज़ीरो दैट विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से अगर x-2 अगर 0 हो जाता है, तो यहाँ पे तो हमारी की पूरी वैल्यू ही इन्फिनिटी बन जाती है, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे सॉल्यूशन के लिए सबसे पहली चीज़ क्या हो गई कि x-2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सबसे पहली चीज़ तो हमारी यही हो गई, तो मीन्स x शुड नॉट बी इक्वल टू 2। x की वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती, ठीक है। अगर x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती तो क्या हो सकती है, x कैन बी ग्रेटर देन 2 और x कैन बी लेस देन 2। लेस देन 2 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 2 भी हो सकता है, बट x कैन नॉट बी इक्वल टू
टू. क्लियर? तो चलिए हम स्टार्टिंग में लेके चलते हैं x इज ग्रेटर देन टू. हम ये केस लेके चलते हैं व्हेन आर वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन टू. तो चलिए हमारी इक्वेशन लिखते हैं टू ओवर x माइनस टू इज लेस देन x प्लस टू ओवर x माइनस टू दैट इज लेस देन टू. क्लियर? यहाँ पे अगर हमने x माइनस टू को हटाना है तो हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं सारे साइड्स पे x माइनस टू के साथ. तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई विथ x माइनस टू. ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा टू दैट इज लेस देन x प्लस टू दैट इज लेस देन टू इंटू एक्स माइनस टू. क्लियर? टू विल बी लेस देन x प्लस टू दैट विल बी लेस देन टू एक्स माइनस फोर. अब यहाँ पे आपके पास टू इक्वेशंस बन गई, टू इज लेस देन x प्लस टू देन द सेकेंड इक्वेशन इज दिस. तो हम दोनों को ले लेते हैं, दो केसेस हैं आपके पास. टू इज लेस देन x प्लस टू मीन्स यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, टू माइनस टू दैट इज जीरो इज लेस देन x. यहाँ पे एक चीज़ ये आ गई, देन यहाँ पे देख लीजिए x प्लस टू इज लेस देन टू एक्स माइनस फोर. तो यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, टू प्लस फोर दैट इज लेस देन टू एक्स माइनस एक्स, सिक्स इज लेस देन एक्स. मीन्स यहाँ पे आपका क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन जीरो और एक चीज़ आपको क्या मिल गई, x इज ग्रेटर देन सिक्स. अब आप अपने नंबर लाइन पे देख लीजिए, ये आपकी नंबर लाइन है दैट इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. यहाँ पे आपका आया x शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो चलिए हम यहाँ पे जीरो ले लेते हैं. देन x इज ग्रेटर देन सिक्स, यहाँ पे आपकी कोई वैल्यू है सिक्स. ऑलरेडी आप क्या लेके चल रहे थे, x इज ग्रेटर देन टू. ठीक है ना, एक इक्वेशन हमारे पास ये भी है, x इज ग्रेटर देन टू, ये हम ऑलरेडी लेके चल रहे थे. तो यहाँ पे वैल्यू आपकी आ गई टू. अब इन तीनों को देखें, x इज ग्रेटर देन जीरो देन हम कहते हैं x इज ग्रेटर देन टू देन हम कहते हैं x इज ग्रेटर देन सिक्स. जो चीज़ तीनों को सेटिस्फाई करे तो वो चीज़ क्या है, सबसे पहले हमने कहा x इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो से ग्रेटर है. सेकेंड इक्वेशन में हमारी कह रही है x इज ग्रेटर देन टू. थर्ड हमारी कह रही है x इज ग्रेटर देन सिक्स. तो हमारी क्या है, मीन्स ग्रेटर देन जीरो है वो सारी है, टू से ग्रेटर है वो सारी है, सिक्स से ग्रेटर है वो सारी है. तो जो कॉमन वैल्यू है वो क्या है कि सिक्स से ग्रेटर है. तो हमारा सोल्यूशन सेट यहाँ पे क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट हमारा बनेगा दैट एक्स इज ग्रेटर देन सिक्स. तो ग्रेटर देन सिक्स के लिए आप ओपन ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन नहीं है. तो यहाँ पे आप ओपन ब्रैकेट यूज़ करेंगे, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो यहाँ पे आप क्लोज ब्रैकेट यूज़ करेंगे. ऑलरेडी अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, स्टार्टिंग से देख रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर से देख रहे हैं, आपको ये चीज़ अभी तक क्लियर होगी होगी कि हमने साइंस ये क्यों यूज़ करने हैं. तो ये आपका आ गया सिक्स. तो देन ये कहाँ तक जा रहा है, अप टू इन्फिनिटी. तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सिक्स टू इन्फिनिटी. ये सेट बन गया आपका सिक्स टू इन्फिनिटी. क्लियर? आपका x किसको बिलोंग करेगा, x विल बिलोंग टू सिक्स टू इन्फिनिटी. चलिए अब ये तो हमारा था x ग्रेटर देन टू के लिए, अब हम किसके लिए बात करेंगे, x इज लेस देन टू, व्हेन x इज लेस देन टू. तो हम अपनी इक्वेशन चेक करते हैं क्या है, टू ओवर x माइनस टू x प्लस टू ओवर x माइनस टू दैट इज लेस देन टू. इसको लिख लेते हैं, टू ओवर x माइनस टू that is less than x plus 2 over x minus 2 that is less than 2. ये चीज़ है. और ये मैं आपको बता दूँ कि ये जो है आपका क्वेश्चन, ये आपके पी यू के एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुका है, तो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ध्यान से देख लीजिए. तो 2 over x minus 2 that is x plus 2 over x minus 2. अब यहाँ पे एक बेसिक सा कंसेप्ट है, बहुत ईजी सा, जो ध्यान देने वाला है वो मैं आपको क्लियर कर दूं. यहाँ पे अब आप मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, x माइनस टू के साथ, जैसे कि आपने पहले किया, मल्टीप्लाई विथ x माइनस टू. x माइनस टू के साथ जब आपने पहले मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ था, चेक कीजिए. यहाँ पे जब आपने x माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे x माइनस टू कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका आ गया टू. यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, x माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई हुआ, x माइनस टू कैंसिल हो गया और यहाँ पे x माइनस टू आ गया यहाँ पे. ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई. अब यहाँ पे साइंस चेंज नहीं हुए, ये चीज़ आप ध्यान देना, साइंस चेंज नहीं हुए. क्यों चेंज नहीं हुए, बिकॉज x वॉज ग्रेटर देन टू. यहाँ पे क्या था, x वॉज ग्रेटर देन टू मीन्स यहाँ पे x टू की थ्री भी हो सकता है, तो आपके पास हमेशा क्या आएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी. ग्रेटर देन टू है तो 2.5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्स इज ग्रेटर देन टू है.
ठीक है ना, तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, दैट विल बी ए पॉजिटिव वैल्यू। अब नेक्स्ट देखिए आप, अब आपने x माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई करना है, बट यूर x इज लेस देन टू, बट यूर x इज लेस देन टू, आपका x वन भी हो सकता है, अगर वन है तो वन माइनस टू दैट विल बी माइनस वन, क्लियर, दैट इज अ नेगेटिव वैल्यू। और जब भी आप किसी भी चीज़ को नेगेटिव वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जब इस जगह पे आप देखिए किसी नेगेटिव वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, साइंस चेंज हो जाते हैं नेगेटिव वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करने पे, क्लियर है ना। देखिए मैं आपको छोटी सी चीज़ें क्लियर करके दिखाती हूँ, मैं कहती हूँ कि वन इज लेस देन थ्री, मैं ये चीज़ बोल देती हूँ वन इज लेस देन थ्री, मैं माइनस टू के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू और यहाँ पे आ जाएगा माइनस सिक्स। अब आप मुझे बताइए कि क्या यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन नहीं आएगा, माइनस टू ग्रेटर वैल्यू नहीं है माइनस सिक्स से, यहाँ पे साइंस क्या हो गई, चेंज नहीं हो गई। इसी तरह से ही मैं आपको ये चीज़ कह रही हूँ कि जब आप किसी भी नेगेटिव नंबर के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके साइंस चेंज हो जाएंगे, क्लियर। यही चीज़ आप किसी पॉजिटिव नंबर के साथ करके देख लीजिए, आप इसको टू के साथ मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, टू है और यहाँ पे आपके पास सिक्स आ जाएगा, तो क्या साइन चेंज करने की ज़रूरत है, साइन तो वही रहेगा। यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, साइन क्यों चेंज होते हैं, ये रीज़न है, यहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं, क्लियर, समझ आई ना आपको, इतनी सी चीज़, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। मल्टीप्लाई विद x माइनस टू, बिकॉज x माइनस टू इज अ नेगेटिव नंबर, तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे साइंस चेंज हो जाएंगे। बस यही चीज़ एक ध्यान रखने वाली है, बाकी सब कुछ बहुत 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 ईजी है। जो स्टूडेंट्स इसको ध्यान नहीं रखते हैं ना, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि साइंस चेंज करना भूल जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसके ऊपर जोर देती हूँ कि क्यों आपको समझाती हूँ प्रॉपर, इसलिए समझाती हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिए, इसीलिए कहती हूँ कि वीडियो को ध्यान से देखिए। टू, अब आपने इसको x माइनस टू से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपका आएगा x माइनस टू, x माइनस टू, x माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली टू रह गया आपके पास, दैट इज लेस देन। ऐसे ही आपने यहाँ पे x माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई किया तो x माइनस टू, x माइनस टू कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपका लेस देन साइन नहीं आएगा, योर साइन विल बी ग्रेटर देन, बिकॉज आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन टू एक्स माइनस टू, क्लियर। तो यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएगी, टू इज ग्रेटर देन एक्स प्लस टू, एक इक्वेशन आपको ये मिल गई, एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन टू एक्स माइनस फोर, एक इक्वेशन आपको ये मिल गई, ठीक है। नाउ जीरो विल बी ग्रेटर देन एक्स, या फिर आप कह सकते हैं एक्स इज लेस देन जीरो, एक ये बन गई, 2 प्लस 4 दैट इज ग्रेटर देन 2x माइनस एक्स, मीन्स 6 इज ग्रेटर देन x, मीन्स x इज लेस देन 6, एक इक्वेशन आपको ये मिल गई और एक आपको पता है x इज लेस देन 2। अब आप अपनी नंबर लाइन देख लीजिए, देखिए अब यहाँ पे थ्री वैल्यूज आपके पास आ गई, x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 2 एंड x इज लेस देन 6। अब नंबर लाइन के ऊपर आप देखिए, यहाँ पे आपका है 0, यहाँ पे आपका है माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स इज लेस देन जीरो मीन्स यहाँ पे ये सारी वैल्यूज, मीन्स ये कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। देन मैं कह रही हूँ एक्स इज लेस देन टू, टू से लेस है। देन मैं कह रही हूँ एक्स इज लेस देन सिक्स, ये सिक्स नंबर है इससे लेस है, ठीक है। लेस देन सिक्स है ये सारा हो गया, लेस देन टू है ये सारा हो गया, और लेस देन जीरो है। मैं किसको कंसिडर करूँगी, कॉमन को कंसिडर करूँगी, और कॉमन क्या है, एक्स इज लेस देन जीरो, कॉमन वैल्यू क्या है, x इज लेस देन जीरो, तो हमारा किसको कंसिडर करेंगे हम, x विल बी लेस देन जीरो, तो हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट यहाँ पे क्या बनेगा, हम किसको कंसिडर करेंगे, ये x लेस देन टू के लिए है, x लेस देन टू के लिए है, x लेस देन सिक्स के लिए है, देन हम कह देते हैं x लेस देन जीरो के लिए है, तो हम x लेस देन जीरो को कंसिडर करेंगे, तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, दैट विल बी माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, दैट विल बी माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। तो अब हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं सॉल्यूशंस को, फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा आया था सिक्स टू इन्फिनिटी, देन नेक्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास आ गया है जीरो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। फर्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास आया था सिक्स टू इन्फिनिटी और सेकंड सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ गया है, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। तो चलिए हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं, by combining both the solutions
वैल्यू ऑफ एक्स इज, सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट इज फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस टू इन्फिनिटी टू जीरो, यूनियन आप किसके साथ कर देंगे, सिक्स टू इन्फिनिटी, क्लियर। ये आपका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी इशू आता है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ भी समझ नहीं आता है मुझे साथ के साथ कमेंट करके पूछ लीजिए। अगेन मैं आपको बता दूँ, PDF बिल्कुल फ्री मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और अपनी फाइलिंग करते जाइए। जब चैप्टर फिनिश होगा पूरी की पूरी PDF भी आपको मिल जाएगी, दैट विल ऑल्सो भी बिल्कुल फ्री। तो आप क्या करेंगे, जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बिकॉज अगर आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन चाहिए, अगर आपको मेरे साथ कैलकुलस साथ के साथ पूरा बुक को कवर करना है तो आप इसको कवर कर लीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है बिकॉज नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगी, ठीक है। तो कैलकुलस की पूरी बुक हम करने वाले हैं, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं साथ के साथ आपको बता पाऊँ, आपको लेक्चर साथ के साथ डिलीवर हो पाएँ, आप लेट ना हो किसी चीज़ के लिए, ठीक है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।